Subscribe to our channel and press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. It's free, you know. Hello friends, welcome back to our channel. दोस्तों आज हम टीज़र ब्रेकडाउन करने वाले हैं द नन मूवी की। वैसे तो इस टीज़र में ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया गया है, फिर भी हम इसके स्टोरी को गेस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों द नन मूवी द कंज्यूरिंग मूवी की ही सीरीज में से एक है। यह सीक्वल नहीं बल्कि एनेबल क्रिएशन का प्रीक्वल है। इस मूवी का स्टोरी लाइन 1952 का है, जिस वक्त हर जगह पर कई कैसल्स हुआ करते थे। द नन, जिसका असली नाम वैलेक है, उसे हमने पहली बार कंज्यूरिंग 2 में देखा था और ये हमें द एनेबल क्रिएशन में भी देखने को मिली थी। एनिमल क्रिएशन की बात करें तो उसके मेन लीड में स्टेफनी थी, जो कि हमें एक नन के रूप में दिखी थी, पर हमें वो द नन की टीजर में कहीं नहीं दिखी। टीजर की शुरुआत में हमें वैलेक की तस्वीर देखने को मिलती है और जैसे ही लाइट्स कम होती है हमें उसकी डरावनी आंखें देखने को मिलती है। उसके बाद हमें एक लेडी की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि उसे बचपन से ही कुछ एबनॉर्मल चीज़ें दिखती हैं और उसके सारे थॉट्स वैलेक की तस्वीर पर ही आके रुक जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक नन दिखती है जो कि वैलेक से बिल्कुल अलग दिख रही है। मीन्स कि ये एक अच्छी नन है और वैलेक एक बैड स्पिरिट है। इस अच्छी नन को देख के लग रहा है कि हमें द नन में गुड वर्सेस बैड की लड़ाई देखने को मिलेगी। अगले सीन में हमें कैसल देखने को मिलते हैं और ये सीन रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया शहर की है। जो लोग हॉरर जॉनर में इंटरेस्टेड हैं उन्हें ज़रूर पता होगा कि ट्रांसिल्वेनिया ड्रैकुला का शहर है। और हमने इस फिल्म के डायरेक्टर के इंटरव्यू में भी सुना था कि उन्होंने द नन मूवी की सिनेमेटोग्राफी उन्होंने ड्रैकुला और द एक्सॉर्सिस्ट फिल्मों जैसी ही रखी है। इस सीन को देखते हमें लगता है कि इस कैसल में पहले से ही किसी की मौत हो चुकी है, जिसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये तीन लोग यहाँ आए हुए हैं। इस कैसल में जाने के बाद उन्हें पता चलेगा कि उस कैसल के डीमन कोई और नहीं बल्कि वैलेक है। आगे हमें एक दरवाजे पर लैटिन में लिखा हुआ कुछ दिखता है, जिसका मतलब है कि गॉड एंड्स हियर, मतलब कि इस जगह पे भगवान नहीं है। नेक्स्ट सीन एक जंप स्केयर सीन है, जहाँ पे हमें अच्छी नन एक लैंटर्न के साथ दिखती है, जो कि उस कैसल के कॉरिडोर में रहती है और उसके पीछे वैलेक की परछाई है और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है कि बगल से वैलेक उस पे हमला कर देती है। टीज़र यहीं ख़त्म हो जाता है। दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हैं, टीज़र देख के हमें उसके स्टोरी प्लॉट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन हम इसके स्टोरी लाइन को गेस करने की कोशिश करेंगे। कहानी कुछ ऐसी होगी कि हमें मूवी की शुरुआत में किसी पुरानी नन की मौत दिखाई जाएगी, जिससे रिलेटेड सीन्स उस अच्छी नन को बचपन से ही दिखाई देते होंगे, जिसका पता लगाने वो अच्छी नन कुछ लोगों के साथ कैसल में जाएगी, जहां पे उसका सामना वैलेक के इविल स्पिरिट से होगा। उस कैसल में कई लोग मारे जाएंगे और मूवी के लास्ट में हमें बुराई पर अच्छाई की जीत देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगले बार हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं ऋतुप्रिया साइनिंग ऑफ, और हमारे दूसरे वीडियोस को देखना ना भूलें।